स्टूडेंट्स, तो आज हम जो ड्राइंग बनाने जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। तो इस ड्राइंग को हम आज बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ड्राइंग बहुत पसंद आएगी और बहुत ही आराम से आप इस ड्राइंग को बना लेंगे। तो ये ऑयल पेस्टल से आपको डेमो दिया जा रहा है, लेकिन आप इसे ऑयल पेस्टल के अलावा वाटर कलर, पोस्टर कलर, किसी भी कलर मीडियम से बना सकते हैं। बैकग्राउंड हम लोग अगर आप वाटर कलर या पोस्टर कलर से करते हैं तो आप स्केच कलर के साथ ऊपर इसकी आउटलाइनिंग कर सकते हो। तो लेकिन क्योंकि ऑयल पेस्टल्स भी बहुत से बच्चे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसलिए आज का वीडियो ऑयल पेस्टल से बैकग्राउंड बनाकर आपको दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने ऑरेंज कलर लिया और उसके बाद हमने थोड़ा वाइट कलर बीच में लगाया। तो और सन इसमें जो बना रहे हैं हम उसमें हमने वाइट कलर कर दिया है। नीचे की तरफ हम सबसे पहले लाइट ग्रीन लेंगे। ऑयल पेस्टल में भी आप लाइट टू डार्क चलते हैं, पहले आप लाइट शेड्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप डार्क शेड्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको मिक्स करते चले जाते हैं। तो अभी एक टिश्यू पेपर लेंगे और टिश्यू पेपर से हम ऑरेंज और ग्रीन कलर को अलग अलग टाइम पे मिक्स करेंगे। उससे पहले हमने ग्रीन के अंदर एक डार्क टोन को मिक्स कर लिया है ताकि जो भी वाइट पोर्शन हमें नज़र आ रहा है वो भी कवर हो जाए। तो ये टिश्यू पेपर, आप कोशिश कीजिएगा कि अलग अलग कलर के लिए आप अलग अलग टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। एक ही टिश्यू पेपर से आप ये ना सोचें कि ऑरेंज भी मैं उससे कर दूँ और ग्रीन भी उससे कर दूँ, तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। कई बार सेम टोन, कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में मिक्स होकर नई टोन बना देते हैं, तो जो इफ़ेक्ट हम देना चाहेंगे वो नहीं दे पाते। बीच में क्योंकि हमने वाइट कलर किया है तो वाइट कलर को जब मिक्स करेंगे तो ऑरेंज और ग्रीन दोनों में मिक्स होकर एक सॉफ्ट इफेक्ट वहाँ क्रिएट करेगा। अब फिर से हम ऑरेंज कलर लेके बैकग्राउंड को फिनिशिंग टच देंगे, क्योंकि थोड़ी सी फ्रेश टोन भी आनी ज़रूरी है। जब हम टिश्यू पेपर के साथ ऑयल पेस्टल की बैकग्राउंड को मर्ज करते हैं तो उसकी फ्रेशनेस थोड़ी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप यही चीज़ वाटर कलर या पोस्टर कलर या एक्रेलिक कलर से पहले बैकग्राउंड बना लेंगे, जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं रहेगा। वहाँ आपको ब्रश के साथ ही मर्ज करना है, जो कलर है वो टिश्यू पेपर की तरह बाहर नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर हम ज़मीन का इफेक्ट बना रहे हैं, तो हमने डार्क ग्रीन कलर या ब्लूश या ब्लैकिश कलर भी लेकर आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेताजी का पोर्ट्रेट यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर हम फ्री हैंड पोर्ट्रेट बना रहे हैं। अगर आप वाटर कलर से कर रहे हैं तो आप पहले ही पोर्ट्रेट बना के फिर बैकग्राउंड बना सकते हो, अदरवाइज़ आप जब इस तरह बनाएं तो आपको ध्यान रखिएगा कि गलती ना करें, क्योंकि इस सिचुएशन पर अगर आप रब करते हैं पोस्टर कलर या एक्रेलिक कलर के बाद भी तो इरेजर से आपकी बैकग्राउंड ख़राब हो सकती है। तो आप बैकग्राउंड करने से पहले ही ये पोर्ट्रेट्स बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या आप ये फोटोग्राफ्स अपने सामने रखिए ताकि गलती होने की गुंजाइश कम से कम हो। यहाँ पर हम एक आदमी बना रहे हैं जिसने एक झंडा पकड़ा हुआ है। अब दोनों कॉर्नर पे जो हमारी ड्राइंग है वो बनने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि बीच में क्या गांधी जी को बनाने के लिए हमारे पास स्पेस है या नहीं है। या फिर सबसे अच्छा मेथड है कि जिस तरह पहले आपको बताया कि आप गोली लगा लीजिए कि कहाँ कौन सी फिगर को बनाना है, और एक जो साइज़ है वो डिसाइड कर लीजिए अपना कि इतनी बड़ी ये चीज़ होनी चाहिए। अब ऑयल पेस्टल के ऊपर ये ग्रेफाइट पेंसिल जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम, लेकिन आपके जो नॉर्मल पेंसिल है वो इस पर नहीं चलेगी और आपके पास ये पेंसिल भी नहीं होगी, तो क्या किया जाए? इसका सीधा सा फार्मूला है कि आप लाइट मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ब्लैक जो आपका ऑयल पेस्टल कलर है आप उसको ध्यान से चला सकते हैं। हालांकि ब्लैक ऑयल पेस्टल कलर को इस्तेमाल करना बहुत रिस्की होता है, वो पूरी की पूरी ड्राइंग को आपकी ख़राब भी कर सकता है, तो उसे आप बड़े ध्यान से चलाएंगे। और जब भी ऑयल पेस्टल से बनी हुई पेंटिंग जो होती है उसे कि आप डायरेक्ट मत दूसरे पेपर के कॉन्टेक्ट में आने दीजिए, बीच में कोई बटर पेपर या फिर आप कोई सेलोफेन शीट उसमें रख दीजिए ताकि उसको रगड़ ना पड़े और आपकी बनाई हुई मेहनत ख़राब ना हो। तो देखिए यहाँ पर हमने जो नेताजी हैं उनको बना लिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की रचना की थी और उस फौज ने स्वतंत्रता संग्राम के में बहुत अहम भूमिका निभाई।
वो इंसान जिसने झंडा पकड़ा हुआ है, थोड़ा तिरछा मुड़ा हुआ है, हम उसे यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब क्योंकि हम लोग ये कलर्स को टिश्यू पेपर के साथ मिक्स कर चुके हैं, इसलिए आपके कुछ स्केच पेन और भी इस पे चल सकते हैं, नहीं तो OHP मार्कर जो है बड़े आराम से चल जाएगा। आप देखिए ये वाटर कलर वाला स्केच पेन है नॉर्मल, तो अगर आप इससे भी झंडे में फिल करेंगे तो इफ़ेक्ट आ जाएगा उसका, थोड़ा बहुत कलर हमें दिख जाएगा। अदरवाइज़ आप एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम पूरी थिक लेयर ऑयल पेस्टल की इस्तेमाल करते हैं और उसको रिमूव नहीं करते तो उसके ऊपर फिर हमारा स्केच कलर नहीं चलता है। तो अब देखिए बीच की जगह खाली है, तो हम यहाँ पर महात्मा गांधी जी को बना देंगे। थोड़ी सी घास वगैरह का इफ़ेक्ट हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं पेंसिल के साथ। आप 6B पेंसिल इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आईलाइनर पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो, स्ट्रेटलर पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़े से पक्षी वगैरह हम यहाँ पर उड़ते हुए दिखाते हैं जो कि शांति का प्रतीक होते हैं। अब हमने वाइटनर लिया, वाइटनर के साथ हम झंडे के बीच का वाइट स्पेस और पक्षी सन और कुछ डॉट्स फ्लावर के जैसा इफेक्ट हम इसमें पूरी पेंटिंग पे दे देंगे, जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आपकी पेंटिंग में एक चमक आ जाएगी। तो हमने ग्रीन और ऑरेंज कलर दोनों जगह, जैसे स्काई को हमने एक रात वाली स्काई बनाई है और उसमें सितारे हमने बना दिए हों, वाइटनर हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इसके ऊपर कोई भी वाटर बेस कलर नहीं चलता, वाइटनर यहाँ आराम से सूख जाएगा और उसकी जो वाइट कलर की डॉट्स हैं वो एकदम से क्लियर हमें नज़र आएंगी। तो चलिए अब हम गांधी जी को बना लेते हैं। तो जैसा हमारा ऊपर वाली विंडो पिक में दिख रहा है आपको, आप उसी तरह से देखिए गांधी जी के पोर्ट्रेट को भी यहाँ बना सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप जब भी इसे देखें, जब भी कुछ चीज़ बनाएं उसे अपने सामने ज़रूर रखिए। हर बार अगर आप याददाश्त से बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जब धीरे 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 आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो तब ये आपको याददाश्त से बनाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब ये गलतियां नहीं होंगी। लेकिन अभी आप लर्निंग स्टेज पर हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप रेफरेंस ज़रूर अपने पास रखें। तो देखिए हमने गांधी जी को यहाँ ड्रॉ कर लिया है। अब फिर से हम अपनी स्टेलर पेंसिल लेंगे, डार्क ब्लैक पेंसिल्स, और उसके साथ हम जो डार्क पोर्शंस हैं हम वहाँ पर शेडिंग देकर गांधी जी के पोर्ट्रेट्स को क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर हमें रियलिस्टिक फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसमें कलर्स देने की ज़रूरत है, सिर्फ आउटलाइनिंग और थोड़ी लाइट और डार्क शेड से ही हमारा पोर्ट्रेट बन जाएगा। अब हम जो टेप हमने लगाई है हम उस टेप को निकाल देते हैं और ये हमारी पेंटिंग बनकर तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी और आप लोग सभी से ज़रूर बनाएंगे और सबको दिखाएंगे भी और सब आपकी तारीफ भी करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए।